आया हूँ, देख लो यहाँ पे ये सारा ऑक्शन हो रहा है। यहाँ पे लाइव ऑक्शन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूँ। सारे कंटेनर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। ये TKD का ऑक्शन है और यहाँ ये सारे MSTC में आपको पहले से ही मिल जाता है। पहले जैसे कि आज के दिन आपको आना होता है, इंस्पेक्शन करना होता है, कंटेनर नंबर लिख लो, आइटम देख लो, कंटेनर नंबर लिख लो, उसके बाद जाके अगले दिन, दो दिन बाद जब इसकी बोली शुरू होती है तो बोली लगा लो ऑनलाइन। तो मैं आपको सारे कंटेनर दिखाने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे कंटेनर देखते हैं, और कंटेनर नंबर अपना लिस्ट कर लो और फिर अपना बोली लगा लो ऑनलाइन। ये तरीका होता है इसका। तो ये दोस्तों देखिए, ये है सारा का सारा आपका ऑप्शन का। ये सारे ऑप्शन के कंटेनर हैं। ये उसका है, रक्स का कंटेनर है, और ये भी कुछ है आइटम बोरे में। ये भी क्लोथ, यूज क्लोथ का कंटेनर है, रक्स कहते हैं शायद इनको, रक्स का कंटेनर है। मैं आपको पीछे वाले कैमरे से दिखाता हूँ। देखिए ये रक्स का कंटेनर है सारा। यहाँ पे आपको बस ये देखना होता है आइटम क्या है इसके अंदर। मैं आपको आइटम दिखाता हूँ सामने से, ये देखिए। तो मुझे तो लगता है ये जो बड़े बड़े मार्केटों में होता है ना, ये बड़े बड़े मार्केटों में, चोर बाजार वगैरह में, वो तो यहीं से ले जाके मेरे को लगता है इसी को धोते हैं फिर बेच देते हैं। तो वहीं सदर बाज़ार के और दूसरे जो ट्रेडर हो बड़े बड़े, वही लेके जाते होंगे यहाँ से, मेरे को जहाँ तक आइडिया है, जो मैं समझ पा रहा हूँ इससे। ये सारे कपड़े हैं, देखो सामने से आपको दिखा देता हूँ। ये कपड़ों का कंटेनर है, ये सारे कंटेनर हैं ऑक्शन के, ये दिख रहे होंगे। ये एक में ताला लगा है, मेरे ख्याल बिक गया होगा। इसके अंदर चेयर था, ये गाड़ियों का एक्सल है, गाड़ियों का एक्सल का है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। ये सारी चीज़ें आपको ना क्रॉस चेक करना हो जाएगा आपको ऑनलाइन से, जो लिस्ट निकलती है, जो मैंने आपको लिस्ट दिखाया था MSTC में। ये देखिए कंटेनर नंबर का है, ये देखिए कंटेनर नंबर लिखा है इसमें। यही सेम कंटेनर नंबर आपको वेबसाइट पर भी दिख जाएगा, उसके अगेंस्ट क्या माल है वो भी दिख जाएगा। उसको आप यहाँ पे आके एक दो दिन पहले इंस्पेक्शन करेंगे, 27 तारीख से, आज 24 तारीख है, और 27 तारीख को इसकी बोली शुरू होने वाली है ऑनलाइन। तो इस तरीके से देखिए लोग आए हैं, इस तरीके से लोग आते हैं, देखते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं किस कंटेनर में क्या माल है, अपने रिमार्क्स विमार्क्स जो भी अपनी तरीके से लिखते हैं, फिर जिस दिन बोली शुरू होती है उस दिन बोली में जाके वो बोली लगाते हैं। तो ये सारे कंटेनर हैं, ये सारे कंटेनर हैं। ये यूज क्लोथ्स का कंटेनर ज़्यादा आया हुआ है। इसके अंदर क्या आइटम आया हुआ है? सर आप लोग आते हो मतलब इसके लिए ऑक्शन के लिए पहले से ही? अच्छा आप लोग ही फर्स्ट टाइम आए हो, तो क्या YouTube देख के आए हो, कैसे आए हो? YouTube किनका चैनल है? दोस्तों मेरे को एक भाई मिले हैं, वो पुराने बंदे हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी ऑक्शन करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? हरप्रीत नाम है। भाई कहाँ, पंजाब से? पंजाब। भाई पंजाब से हैं, तो भाई आप सिर्फ ऑक्शन का ही काम करते हो? नहीं नहीं, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अच्छा भाई का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, वैसे ऑक्शन में भी आप पार्ट लेते हो? ऑक्शन में कितने मतलब फ़ायदा कितना हो जाता है मेरे को ये बताओ यार। मैंने ऑक्शन का, मैंने तो फायदा बहुत है ऑक्शन में, ऑक्शन का माल आप सस्ते में ले सकते हो और आगे महंगे में बिकता, और बहुत बढ़िया काम है। आप जितना काम करते हो, जैसे कोई यहाँ से चीज ली और उसको एक्सपोर्ट किया, उससे ज़्यादा प्रॉफिट ऑक्शन के माल। अच्छा भाई, मतलब हम इतने सालों से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, इसमें इतना प्रॉफिट नहीं, ऑक्शन में प्रॉफिट है ज़्यादा। मतलब इम्पोर्ट छोड़ दो, ऑक्शन में काम अपना, ऑक्शन में जो है और आपको बढ़िया बढ़िया आइटम बहुत ही सस्ते रेट में मिलते हैं। अच्छा दोस्तों, ये आया हुआ है पूरा कॉफ़ी का कंटेनर। मतलब आप क्या है कि आप ना कॉफ़ी नहीं उतार सकते, कॉफ़ी जूते उतारोगे ना तो आपको IPR चाहिए। आप क्या है कि बाहर सस्ते मिलते हैं, आप ऐसे उतार नहीं सकते कॉफ़ी वाले जूते कभी भी। इसके लिए आपको IPR चाहिए होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो उसके चक्कर में कंटेनर रुका होगा। वैसे तो आजकल जूतों में भी है, इसलिए देखो एडिडास के जूते, ये नाइकी वाले, ये मेरे पास भी है बट ओरिजिनल वाले। भाई साहब देख लो, मेन कारण होता है आप कोई भी ब्रांड उतार नहीं सकते। ब्रांड तो कोई भी उतार, ब्रांड कोई भी अपना एक्सपोर्ट कर सकते बिना परमिशन के। पूरा कंटेनर आया हुआ देख लो भाई, आपके रिबॉक के भी हैं, नाइकी के भी हैं, कॉपी का माल भी निकल भी रहा है। देखो आते आते निकल गया आधा माल। तो ये है कि आपको चाहिए तो आप यहाँ से कॉपी माल उठाओ और भेज दो। ये सारा का सारा कंटेनर का हिसाब किताब होता है, पूरा कंटेनर का आपका बिडिंग लेना है, आपको कंटेनर का नंबर देखना है, आइटम देखना है, अपना डायरी और आपका जो कंटेनर नंबर है, कंटेनर नंबर ये लिखा है, ये लिखा था कंटेनर डायरी लेके आओ, कंटेनर नंबर लिखो, आइटम लिखो, आपके हिसाब से क्या वैल्यू होनी चाहिए वैल्यू लिखो,
दो दिन बाद जब इसका ऑनलाइन ऑक्शन शुरू होएगा, ऑनलाइन ऑक्शन में अपनी बिडिंग करो और अपना माल ले जाओ। और इसके अलावा आप ये देखो, आपका ये देखो, ये आपका किचन वेयर का सामान है, ये सारा किचन वेयर, किचन वेयर का चिमनी है, ये तो नई पड़ी अभी का ही कंटेनर है ज्यादा। मतलब इसमें पार्ट किस तरीके से लेना है आपको? पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है एमएसटीसी में, जी ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए, मतलब आईसी कोड होना चाहिए, आईसी कोड होना चाहिए। इसमें ऑक्शन में पार्ट लेने के लिए भी आईसी कोड चाहिए? जी जी, इसमें आपको आईसी कोड होना चाहिए, आईटीआर रिटर्न लगती है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, और उसके बाद बैंक से वेरिफिकेशन के लिए लेटर लगती है, के साइन वेरिफिकेशन के अलग। चलो ये सारे तो डॉक्यूमेंट वहाँ पता चले जाएंगे। मेन मतलब है इसमें पैसा कितना लगेगा साल का पार्ट लेने के लिए? पार्ट लेने के लिए आपको पैसा देना होता है 11,800। 11,800 रुपये वो एक साल के लिए वैलिड है? हाँ, एक साल के लिए। एक साल के लिए वैलिड है। ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ जो भी ऑक्शन हो रहा है जाके अपना देखो, पार्टिसिपेट करो, अपना नंबर वंबर लिखो, फिर बाद में ऑनलाइन बोली लगाओ। और फिर ऑनलाइन बोली लगने के बाद जैसे कि इसमें कोई कस्टम ड्यूटी भी होगी तो इसमें कस्टम ड्यूटी वगैरह भी अलग से पे करनी पड़ती है? नहीं नहीं, ये सारा आपको एक गवर्नमेंट वो वेबसाइट पे दिखाता है, कम से कम आप इतना। जैसे कि ये टीवी है, अब ये टीवी खरीदने जाओगे ना तो टीवी में लगता है BIS के चक्कर में अटक गया होगा। आप जब अब ऑक्शन में इसको लेके जाओगे तो अलग से BIS इसको देना पड़ेगा? जी, जो चीज रिक्वायरमेंट है वो आपको वो अलग से लेनी पड़ेगी, तो उसमें तो बहुत खर्चा आ जाएगा, फायदा ही नहीं है फिर तो इसमें। ये तो स्क्रैप का है, आपका स्क्रैप का है तो आपको पोल्यूशन का सर्टिफिकेट, मतलब जो सर्टिफिकेट चाहिए वो चाहिए। अच्छा जी, और अगर गलती से किसी ने बिड कर दी? कंपनी के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए था कंपनी का, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, पता नहीं। अच्छा, आप भी पूछ रहे हो? हाँ, इसका है तो यही हिसाब किताब वहाँ लिखा होता है। ले जाना है फिर क्या करेंगे? पेपर जैसे कंटेनर की बोली है जैसे आपके पास, उसके सामने ये लिखा हुआ है अभी जो जो आपको। नहीं तो मेरे केस में कुछ भी नहीं है, तो आपको फिर जरूरत नहीं, आपको IAC कोड आपके पास होगा वो। ये आपके सारे किचन वेयर के आइटम है, देखिए चिमनी वगैरह आई हुई है सारी, ये चिमनीज हैं, ये चिमनीज के पार्ट हैं। और आइटम देखो कितना नया है, एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू है इस टाइम पे, तो मतलब समझ लो कि प्रॉफिट मार्जिन कितना हो सकता है। इस पे आओ, अपना देखो माल, कंटेनर नंबर लिख के ले जाओ, आइटम लिख के ले जाओ, ऑनलाइन बोली लगाओ और लेके जाओ। और देखो, और बोली लगाना भी है ना तो ऐसे आइटम में बोली लगाओ जिसमें कोई आपकी BIS की रिक्वायरमेंट ना हो, कोई अदर सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस ना करना पड़े। देख लो ये सारे कंटेनर्स हैं इस टाइम पर जो आपके ऑक्शन के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये सारे कंटेनर्स हैं आपके, ये कोई जाली आई हुई है, ये मशीन आई हुई है पूरी। मशीन में क्या है ना, सेकेंड हैंड मशीन कोई उतारता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सेकेंड हैंड मशीन में आपको CE सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ता है, सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट। तो उसके लिए भी कई बार चीज़ें रुक जाती हैं, कई सारी। देखिए ये सेकेंड हैंड मशीन है तो मे बी ये उस वजह से रुकी होगी। ये देखिए कितने कितने पुराने पुराने कंटेनर यहाँ पड़े, ये कुछ बच्चों के जो वो होते हैं चेयर टाइप के, खिलौने टाइप के वो आए हुए हैं आपके। ये कुछ मशीनरी है, मशीनरी भी ऑक्शन में आई हुई है। ये आपका क्या है इसके अंदर कुछ है, या आप खुद आओगे, अपने आँखों से एक्सपीरियंस करोगे ना तभी पता लगेगा ऑक्शन में किस तरीके से होता है। देखिए ये बेस ऑयल का कंटेनर रहा होगा, मुझे पता है बेस ऑयल का कंटेनर जब भी बारिश होती है तो लीकेज शुरू हो जाती है, मैंने इनका काम करा रखा है। ये कुछ कपड़ों का है, मिक्स क्लोथ्स हैं, यूज क्लोथ्स हैं, न्यू क्लोथ्स हैं, सारी चीज़ें हैं। ये कुछ एल्युमिनियम फॉइल का कंटेनर है दोस्तों, एल्युमिनियम फॉइल से कंटेनर है। हरप्रीत भाजी, अब बताओ यार भाजी, अब आ रही आवाज। ये देखो भाई साहब, ये आया हुआ है आपका पूरा जूतों का कंटेनर। और आजकल मैं बता दूं आप लोगों को कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली जूतों पे BIS भी कर दिया, तो मेरे ख्याल इस पर भी BIS हो सकता है, या तो पहले इम्पोर्टेड होगा तो शायद नहीं लगे BIS इस पर। तो ये भाजी इनको 7 साल हो गए ऑक्शन करते हुए, हरप्रीत भाजी इनको 7 साल हो गए। अब अभी तो जितना मिल रहा है इनसे ज्ञान ले लो, बाकी इनको मैं ट्राई करूंगा एक दिन अपने चैनल पे लाने के लिए। चैनल पे लाके बाजी का एक दिन बढ़िया तरीके से इंटरव्यू करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे इनसे। बाकी देखो शूज़ अभी भी क्वालिटी बढ़िया, इतना पुराना हो गया मैं आपको ये बता देता हूँ। कितने कब का कंटेनर है ये? मैं वही आपको देख के बता रहा हूँ, और आपको चाहिए या नहीं चाहिए इसके लिए BIS जो आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा था। देखो भाई सब ये जूते देखो यार, आप सामने से देखो इसको, बढ़िया क्वालिटी है अभी तक, बढ़िया बढ़िया है। कितने साल पुराना है ये? मैं देख रहा हूँ कंटेनर नंबर यार, सही में बढ़िया क्वालिटी है।
देखो पूरा कंटेनर है, 40 फीट का कंटेनर है, 67 CBM माल आता है 40 फीट में, तो सोच लो कितने जूते होंगे इसके अंदर। ये सारे आपके जो है ना कंटेनर, ये सारे ऑक्शन के लिए हैं। ये LED लाइट वाला कंटेनर है, ये CFL का जो आपका ऊपर का होता है, ये दिख रहा होगा आपको, ये देखो। ये CFL का जो होता है ना टूटा पड़ा है, देखो ये CFL का जो ऊपर वाला बल्ब होता है, ये CFL का जो ऊपर वाला बल्ब होता है। CFL में भी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मेरे को यहाँ तक याद है कि BIS ही चाहिए होता शायद CFL में भी, BIS वगैरह के इन कंप्लाइंस मैंने बताया था, जैसे कि आप लोगों को कंप्लाइंस वगैरह के चक्कर में ही ये कंटेनर ऑक्शन में आते हैं ज़्यादातर, नहीं तो इतने बेवकूफ़ कोई नहीं होता कि डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स है कोई कंटेनर आ जाएगा। ये BIS चक्कर में लोगों को पता नहीं होता, इंपोर्ट कर लेते हैं चीज़ों को, किसी चीज़ में पोल्यूशन का चाहिए होता है, किसी चीज़ में BIS चाहिए होता है, कभी EPR चाहिए होता है। यहाँ पे भी एक कंटेनर खुला हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये चेयर का कंटेनर है, कभी वैल्यूएशन वगैरह के चक्कर में भी रुक जाता होगा या कोई डिस्प्यूटेड। ये चेयर का पार्ट है आई गेस, ये चेयर का कंटेनर है सारा। ऐसे कंटेनर आपको देखना है, कंटेनर के साइड में कंटेनर का नंबर लिखा होता है, कंटेनर का नंबर नोट करो, आइटम क्या है, आपको पसंद आया नहीं पसंद आया अपनी डायरी लेके आओ, नोट करो, अगले दिन जिस दिन इसकी बोली होती है ऑनलाइन, कंटेनर नंबर देखो, अपने हिसाब से उसकी बोली शुरू कर दो, जिसकी सबसे ज़्यादा बोली वो कंटेनर ले जाएगा। उसका आ रहेगा जैसे कि जैसे CFL का कंटेनर आपको लेना है, तो CFL के कंटेनर में उसके साइड में बोली वहाँ पे ऑनलाइन भी आपको दिख जाएगा कि इसमें आपको वो चाहिए BIS, तो इस कंटेनर को अगर आपको बिड करके ख़रीदना है तो इसके लिए आपको BIS भी अलग से देना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ लो यार जिसमें BIS नहीं चाहिए, सिर्फ अपना पैसा दो और सामान ले जाओ। ये सारा हिसाब किताब था, आपने देख लिया कि ऑक्शन का हिसाब किताब क्या है, आओ कंटेनर देखो, माल देखो, अपना कंटेनर नंबर लिखो और अगले दिन वही लगाओ। ये भाई भी देखो यूट्यूब से आए हुए हैं। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया सर। तो भाई आप भी यूट्यूब देख के आए हो यहाँ पे? सर मैं पहली बार आप ही का चैनल देख के। अच्छा, मेरा ही चैनल देख... आपको काफी 2-3 महीने से फॉलो भी कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और आपका कन्वर्सेशन बहुत बढ़िया लगा मेरे को। अच्छा अच्छा। भाई क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक भाई आए हुए हमारे चैनल देख के आए थे यहाँ पे, तो पहली बार ऑक्शन में पार्ट लेने आए भाई। लिस्ट दिखाओ अपनी। ये देखो ये लिस्ट है कंटेनर की, लिस्ट कहाँ है सारी? ये देखो ये कंटेनर की लिस्ट है, आओ कंटेनर नंबर ऐसे आपको दिख जाएगा। देखो ये जूते का कंटेनर है, ये जूते का कंटेनर है, आपको कंटेनर नंबर यहाँ दिखेगा, ये दिख रहा है आपको NYKU 5627163। सेम कंटेनर नंबर आपको लिस्ट में दिखेगा, लिस्ट के अगेंस्ट कंटेनर नंबर मिलाओ और इसमें देखो कि कुछ इसके अगेंस्ट कोई अलग से सर्टिफिकेट चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए अपना मार्क करो कि हाँ भाई कंटेनर बढ़िया है, इसके अंदर माल बढ़िया, मेरे हिसाब से क्या इसकी क्या इसका कीमत होना चाहिए। अगले 2 दिन बाद जब इसकी ऑनलाइन बोली शुरू होगी तो अपने हिसाब से बोली लगाओ, कंटेनर ले जाओ। तो ये हिसाब किताब होने वाला। ये देखिए ये सर लोग भी पहली बार ही आए हुए हैं, सारे यूट्यूब देख के ही आए हैं, आप ही का चैनल देख के। अच्छा हमारे चैनल देख के। तो सर आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे लिए, कैसा कंटेनर वंटेन कैसे बनाया, इसको ऑक्शन के ऊपर ज़्यादा बनाया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बनाया, बिजनेस के ऊपर बनाया? कंटेनर यहाँ पे अवेलेबल है ना, जैसे कोई बिजनेस मैन हो अपने बिजनेस के लिए, उसका रनिंग बिजनेस हो तो उसके लिए बढ़िया है। जैसे काफी उसको एक तो पहले गोडाउन की जरूरत है, इसके लिए चाहिए आपको सेटअप। अगर यहाँ से कंटेनर आपको लेना है ऑक्शन से, मैं तो कहता हूँ कि एयरपोर्ट वाले जो ऑक्शन होते हैं छोटे वाले, जो अगला मैं वीडियो बनाऊंगा वो एयरपोर्ट ऑक्शन पे बनाऊंगा, वो हाउस होल्ड वो होंगे आपके, जो छोटे छोटे दुकानदार ले सकते हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन ले सकते हैं, अपने खुद के यूज के लिए आप ले सकते हो। बाकी जो कंटेनर वगैरह अगर लेते हो ना यहाँ से, तो भाई आपको चाहिए अच्छा पैसा बिडिंग लगाने के लिए सबसे पहले, तो उसके बाद कंटेनर की मूवमेंट ट्रांसपोर्ट का पैसा, फिर इसको स्टोर करने का पैसा, फिर आपको इसको बेचने का पैसा, तो लंबा इन्वेस्टमेंट है। अगर आपका रनिंग बिजनेस है, आप बड़े बिजनेसमैन हो, तो आप कंटेनर को एक बार के लिए ऑप्शन में ले सकते हो, कंटेनर को सोचो, नहीं तो फिर आप छोटे मोटे बहुत सारी ऑप्शन होते हैं इंडिया में, सिर्फ कंटेनर डिपो में नहीं होता, एयरपोर्ट में होता है, ONGC में होता है, जितनी PSUs है इंडिया की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सबके ऑप्शन होते हैं, कहीं पर छोटा आइटम होता है, कहीं पर बड़ा आइटम होता है, सारे के ऑप्शन में आप पार्ट ले सकते हो। एक बार का रजिस्ट्रेशन है साल का 11,800 रुपये का, उसके बाद आप सारे ऑप्शन में इंडिया के वर्ल्ड वाइड इंडिया में जितने ऑप्शन होते हैं सारे ऑप्शन में पार्ट ले सकते हो। बाकी मैं तो हूँ ही आपके लिए, वीडियो लाता रहूँगा ऑप्शन के, तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर कोई सजेशन है कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछना, और वीडियो को लाइक तो बिल्कुल कर देना। तो मिलते हैं अगले किसी ऑप्शन वीडियो में। तो अभिषेक भाई की तरफ से भी थैंक सर, आपका नाम क्या है? बनवारी जी। चलिए सर मिलते हैं अगली बारी, थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा कि ये सारा कंटेनर ऑक्शन का था, ये मेरे पीछे जितने कंटेनर्स देख रहे हैं आप, ये सारे ऑक्शन के लिए आए हुए हैं। एक्चुअली बताया क्या है कि हम ऑक्शन के बाद जो प्रोसीजर होता है ना, वो हमारी कंपनी ही करती है, हमारी कंपनी का एक दूसरा पार्ट है वो करता है, इसको डिस्पोजल कहते हैं, डिस्पोजल कंटेनर का। जितना एक्चुअली कंटेनर का जब काम हो जाता है तो उसके बाद सारी फाइलें हमारे पास आती है, ऑक्शन की बोली वोली जब लग जाती है, क्योंकि इसको बोली लगने के बाद भी कस्टम से छुड़ाना ही होता है, कस्टम बिना ड्यूटी लिए कुछ भी नहीं छोड़ता,
कस्टम को ड्यूटी तो जाएगी जाएगी, तो बोली भी उसी हिसाब से फिक्स की जाती है कि इसकी ड्यूटी भी निकाल ली जाए। मिनिमम बोली जो शुरू होगी ना उसके अंदर इसकी ड्यूटी भी होगी, शिपिंग लाइन के थोड़े बहुत चार्जेस भी होंगे, कॉनकोर के चार्जेस भी होंगे, तो जो मिनिमम अमाउंट फिक्स किया जाता है एक कंटेनर का वो इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी इंक्लूड करके ही फिक्स किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कस्टम इसको बिना ड्यूटी के छोड़ देगा, जब आप इसकी बिडिंग आप पूरी कर दोगे तो वो पैसा जो है वो कॉनकोर के पास आएगा, कॉनकोर उसमें से ड्यूटी निकाल के कस्टम को दे देगा, जो कि हम इसका काम कराएंगे, उसके बाद जो इसकी ड्यूटी तय होगी वो ड्यूटी आपको कस्टम्स को जाएगा, थोड़ा बहुत पैसा शिपिंग लाइन को जाएगा, शिपिंग लाइन यानी जिसका कंटेनर इतने दिनों से यहाँ पे पड़ा है वो तो कुछ ना कुछ पैसे लेगा ही, और जिसकी ज़मीन पे पड़ा है वो है कॉनकोर यानी कस्टोडियन, वो भी थोड़ा बहुत पैसा लेगा ही। तो सबका पैसा निकाल लिया जाता है आपकी बिडिंग में से। तो अगर आपका अच्छा खासा बिजनेस है तो आप कंटेनर को एक बार के लिए ऑप्शन में ले सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे ऑप्शन भी होते हैं, जैसे एयरपोर्ट में ऑप्शन होता है आपका, और भी दूसरी गवर्नमेंट कंपनीज़ के ऑप्शन होते हैं, आप उन सारे ऑप्शन में पार्ट ले सकते हैं। एक बार ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आप सारे ऑप्शन में पार्ट ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको खरीदना है क्या नहीं खरीदना, क्योंकि बिडिंग तो आप ही को करनी है। तो वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी ऑप्शन के वीडियो देखने। ये देखो यहाँ पे एक मिक्स कंटेनर भी जाते हुए मेरे को दिख गया, मिक्स कंटेनर का भी कंटेनर आया, मिक्स कंटेनर मतलब इसके अंदर देखो जूते भी है, ये आपको जूता दिख रहा है, इसके अंदर आपको हिंजेस भी दिख रहे हैं, हिंजेस तो डोर वगैरह में लगते हैं, फिर नीचे चाकू वगैरह भी है, ये देखिए मिक्स कंटेनर ऐसा कहते हैं मिक्स कंटेनर, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, ये पूरा का पूरा कंटेनर आया हुआ देखो। तो यहाँ पे ऑप्शन में भाई ऑप्शन में आपको कुछ भी मिल सकता है, तो बढ़िया है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है यार, करो। ये सारा कंटेनर, ये टेबल वगैरह का कंटेनर आया हुआ, मतलब इस बार ही ऑप्शन में सही में कई सारी चीज़ें आई हुई हैं बढ़िया वाली, मुझे नहीं पता था कि ऑप्शन में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं, क्योंकि मैंने जो पीछे ऑप्शन करवाया था उसमें तो बेस ऑयल और केमिकल्स ही थे ज़्यादातर, 15-20 कंटेनर था, इस बार ये टोटल 72 कंटेनर्स हैं, ये 97 ऐसे ही कुछ है शायद, और काफ़ी अच्छा अच्छा माल आया हुआ है। मैं आपको ऑनलाइन भी दिखाऊंगा सारी की सारी लिस्ट कि क्या क्या माल आया हुआ है।